हेलो दोस्तों, सनम बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हाई नेक कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये मेरे पास सूट का पीस है। ये इसका सामने वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है। साइड में इसके ये बाजू दे रखी है। पहले हम सामने वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले देखो, इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे सामने वाले हिस्से को। इसको मैंने अलग कर लिया है। पहले इसका हम देखो यहाँ से बीच सेंटर मिलाएंगे। इसको बिल्कुल बीच से पकड़ना है और ऐसे फोल्ड कर देंगे। कपड़े को मैंने फोल्ड कर दिया है। यहाँ से इसका मैंने बीच सेंटर मिलाया है और घेरे में भी देखो इसके बॉर्डर है, तो आगे पीछे के बॉर्डर को सेम मिला लेना है। पहले हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, तो लंबाई का निशान हम नीचे वाले बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे लगाना। यहाँ तक हम इसकी लंबाई रखेंगे। ये वाला जो हमारा कपड़ा बचेगा, ये हमारा तुरपाई फोल्ड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। लंबाई इनकी रखेंगे हम 44, तो हाफ इंच बढ़ा देंगे सिलाई मार्जिन का। 44 हाफ पे निशान लगाएंगे। और इसके निशान देखो हमने ऊपर से क्यों नहीं लगाए, क्योंकि नीचे वाले बॉर्डर को हम कट नहीं करेंगे। जो कटिंग करेंगे तो ये वाले बॉर्डर को हल्का कट कर देंगे। इस निशान को भी ऐसे सीधा कर लेंगे। ये कॉलर वाली कुर्ती बनाएंगे, तो पहले इसका नाप समझेंगे फिर इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर है 14.5 इंच, छाती है 40, कमर है 36, हिप है 43, लंबाई 44 रखेंगे, बाजू की लंबाई 18, गोलाई 10 इंच। इन सभी में मैंने लूजिंग डाली हुई है, तो इसी नाप के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। कॉलर वाली कुर्ती की हम कटिंग करेंगे, तो यहाँ से इंच टेप को देखो ऐसे रखेंगे और इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे 8 इंच पे। कमर रखेंगे 14.5 इंच पे और हिप खोलेंगे 20 इंच पे। तीनों निशानों को सीधा कर लेंगे। चेस्ट है इनकी 40, उसका चौथा भाग करके रख लेंगे यहाँ पे 10 इंच। कमर है 36, उसका हम चौथा भाग रखेंगे 9 इंच, इधर निशान लगा देंगे। हिप है इनकी 43, उसका चौथा भाग करके हम रख लेंगे, तो 11 इंच में 2 पॉइंट कम आएगा। 11.25 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमारे फिटिंग के निशान हैं, इनको आपस में मिला लेंगे। ये फिटिंग के निशान हो गए। अभी देखो यहाँ से हमने रखा है 11.25 इंच, घेरे पे रखेंगे 11 इंच। 11 इंच रखेंगे 2 पॉइंट बढ़ा के। यहाँ तक हमारे सूट की लंबाई है और ये जो भी है हमारा, इसको हम एक्स्ट्रा तुरपाई फोल्ड के लिए रख लेंगे। इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये एक्स्ट्रा हम रख देंगे तुरपाई फोल्ड के लिए। ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेंगे। अब शोल्डर है इनका 14.5 इंच, इसका हम हाफ कर लेंगे, आएगा 7.25 इंच। तो पहले हम 7.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये हम बना रहे हैं कॉलर वाली कुर्ती, तो इसमें हम 1/2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन का। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 7.25 इंच। और फ्रंट इनका हम रखेंगे 6.5 इंच। इस निशान को यहाँ पे मिला लेंगे और यहाँ पे दे देंगे आर्म होल की शेप। और यहाँ से हम कंधी 1 इंच डाउन करेंगे। गले की जो चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे। सामने के निशान हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसको हम कट कर लेंगे।
यहाँ पे एक कट लगा देंगे। सामने का हिस्सा हमारा कट हो गया, अब इसका हम पीछे का हिस्सा कट करेंगे। ये इसका पीछे का हिस्सा है, नीचे में बॉर्डर है, तो इसको हम एक साइड से ही फोल्ड करेंगे। एक साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये पीछे के हिस्से के लिए भी देखो कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है, और ये जो भी बॉर्डर थे इसको मैंने आपस में ऐसे मिला लिया है। इसको आगे पीछे नहीं करना है, इसको बिल्कुल बराबर रखना है। अब सामने वाले हिस्से को हम यहाँ से ही बिछाएंगे, ये जो बॉर्डर है इसका मिलान करेंगे आपस में। इस सामने वाले हिस्से को देखो मैंने इसके ऊपर में सेट कर दिया है। तो शोल्डर थे हमारे 14.5 इंच, उसका हाफ करके रख लेंगे 7.25 इंच पे, और यहाँ से हमारा जो निकलता है उसका हम ऐसे हाफ कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे, और यहाँ से देखो एक बराबर सेट कर लेना है। ये वेलवेट का कपड़ा है, हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाता है, तो इसको यहाँ से भी नाप लेना है। यहाँ पे दे देंगे आर्म होल की शेप, और ये हमने जो डाउन किया है 1 इंच किया है, तो 1 इंच ही हम ऐसे ऊपर उठा के कट कर लेंगे। अब इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से एक बराबर कर देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा तो पाइप फोल्ड में जाएगा, तो यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे। और फिटिंग की जगह भी ऐसे कट लगा देंगे। तो ये हमारे आगे पीछे के पार्ट कट हो गए। अब इसका गले का भी निशान लगा लेंगे। गले की चौड़ाई हम 2.75 इंच ही रखेंगे, और गहराई हम रखेंगे 4 इंच। ऐसे गले की हम शेप दे देंगे, और टोटल गले की गहराई रखेंगे हम 7.5 इंच। यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, तो यहाँ पे कुछ डिजाइन बनाएंगे, फिर हम ऊपर में कॉलर अटैच करेंगे। तो इसका एक बराबर मिलान करना है, इसको हम ऐसे पहले कट कर लेंगे। और यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे, तब हम इसको सीलेंगे, तब इसको कट करेंगे। तो ये आगे पीछे के पार्ट हमारे कट हो गए। ये हमारा बाजू के लिए कपड़ा बचा है, तो इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। पहले हम एक ही बाजू कट करेंगे, ये जो इसका बॉर्डर है इसका आपस में ऐसे मिलान कर लेंगे। बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई 18 इंच है, तो 1/2 इंच बढ़ा के ऐसे निशान लगा देंगे। और यहाँ से हम रखेंगे 3.5 इंच, और यहाँ से रखेंगे 8 इंच। ये देखो हमारा मार्जिन बहुत कम बच रहा है, इसमें हम बाद में कपड़ा अटैच कर लेंगे। और यहाँ से रखेंगे हम 3.5 इंच। इस तरीके से आर्म होल की ऐसे शेप दे देंगे। बाजू की गोलाई हम रखेंगे 10 इंच, तो उसका हाफ करके रख लेंगे। एक निशान लगा देंगे और ये एक्स्ट्रा रख लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम हल्का सा कपड़ा अटैच करेंगे, ये हम एक्स्ट्रा तो पाइप फोल्ड के लिए रख लेंगे। एक बाजू हमारी कट हो गई। अब ये जो दूसरा वाला कपड़ा है, इसमें हम दूसरी वाली बाजू कट कर लेंगे। इसके ऊपर मैं ऐसे सेट कर लेंगे। अब इसको भी हम कट कर देंगे। बाजू हमारी कटिंग हो गई। ये जो सामने के हिस्से की छटाई हम सीलते टाइम करेंगे, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है, हमारा हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाता है। और यहाँ पे हम छोटा सा एक्स्ट्रा एक ज्वाइंट भी लगाएंगे,
कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।